तो क्या हाल है भी भाई, सुनने और देखने वाली पब्लिक। तो भाई आरसीआर ने भी अपनी एक ईपी अनाउंस करी थी कुछ टाइम पहले, बट उसका आज ट्रैक आउट कर दिया भाई। पहला ट्रैक ट्रैक का नाम है आजा वे। क्या लगता है, रैप होगी या सिंगिंग होगी? वैसे ना भाई देखो, आरसीआर रैपर तो है ही है, ये एक अच्छा सिंगर भी है, ये आप लोग भी जानते हो भाई, आपने पिछले गाने सुने होंगे भाई भाई के, एंड इस गाने को भी सुनते हैं। वैसे जज्बात ईपी, जज्बात नाम ही भाई ऐसा है कि पूछो मत। सुनते हैं भाई पहले आ जावे। अरे चालू तो हो भाई। अच्छा हो गया चालू। हमारे भ्रम के खेल दादी, यू नो व्हाट, नेटफ्लिक्स इज नाउ एट ₹199। दैट्स चलो भाई, शूटिंग भी पहाड़ों वाली जगह हुई है, कुड़ी साथ में है, पूरा फीलिंग, मतलब आप फील करोगे भाई गाने को, ऐसा गाना होने वाला है। स्टार्टिंग है भाई, मतलब सिंगर जो आजकल सिंगर जो है भाई, जो सिंगिंग करते हैं सही। वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला ही भाई, आरसीआर रैपर नहीं एक सिंगर भी है अच्छा खासा। एंड भाई का जो आया था ना हिप हॉप का डाउन करके, उसमें ना स्टार्टिंग में जो फोक सिंगर नहीं होते ऐसे करके भी भाई ने कुछ लाइनें गाई थी, तो बोल सकते हैं फोक सिंगर, मतलब अलग ही लेवल का भाई। तो सुनते हैं लस। सजना तेरे बिना जी नहीं लगता, कल्ले कह रे रह गया रवे अखियां चुमी मेरे वगदा। टोटल पंजाबी पंजाबी होने वाला भाई। वे आ जावे सजना तेरे बिना जी नहीं लगदा, कल्ले कह रे रह गया रवे अखियां चुमी मेरे वगदा। आ जा वे आ जावे सजना तेरे बिना जी नहीं लगदा, कल्ले कह रे रह गया रवे अखियां चुमी मेरे वगदा। यहाँ ना भाई वोकल्स अगर थोड़ा ध्यान दोगे ना भाई, म्यूट हुआ है, ध्यान दोगे ना जैसे बिलाल सईद जो सिंगर है ना भाई, वैसा वोकल्स कुछ साउंड करता है। और ना फ्लो भी, मतलब फ्लो बोलें या क्या बोलें, स्टार्टिंग भाई ऐसी है कुछ, बिलाल सईद के गाने सुने होंगे अपने दो नंबर में वगैरह, सो ऐसा कुछ भाई देखो साउंड कर रहा है भाई का वोकल्स। ये तेरी यादा बेच ना, ऐसा कुछ बिलाल सईद ने भी अपने किसी गाने में गाया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ वोकल बिल्कुल सेम आवाज बोले तो वही। मेरे वगदा तेरी यादा बेच मेरी जान जानती रही, तू मोड़ के ना आया वे मैं तरले पौंदी रही। भाई यहाँ रैप है भाई की, बिल्कुल 2.5 मिनट का गाना निकाल के। रह गया
मशहूर हुआ मानी मानी में किसकी बातों में आके जाना दूर मेरे किसकी बातों में आके तू जाना दूर हुआ मेरे बारे लिखा फिर तू मशहूर हुआ मानी मानी मेरी मेरी क्या गलती आज मैंने रही जाना जो मैं कभी कल थी कल आंखों के पीछे लाल लहू है तेरी माँ ने बोला था कि यही मेरी बहू है पति दूर तुझे दोस्त नहीं बना पाई सामने खड़ा था तुझे गले नहीं लगा पाई तेरे पे लिखी थी पूरी किताब अफसोस एक फन्ना भी तुझे नहीं सुना पाई मेरा घर मुझे दुखों का शहर लगता है हर एक शख्स मुझे जहर लगता है माँ बाप हर एक शख्स मुझे जहर लगता है वाह 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 सही है वैसे ना भाई दिखता नहीं मतलब और जो रैपर है ना उनसे किसी कांटेक्ट में मुझे लगते नहीं क्योंकि ना स्टोरी ना इंस्टाग्राम पे कैसे भी लगते नहीं कि जो रैपर्स लोग हैं MTV में जो लोग थे उनके साथ कोई कांटेक्ट होगा मुझे लगता नहीं ऐसा नहीं लगा पाई तेरे पे लिखी थी पूरी किताब अफसोस एक फन्ना भी तुझे नहीं सुना पाई मेरा घर मुझे दुखों का शहर लगता है हर एक शख्स मुझे जहर लगता है माँ बाप से मेरी बनती नहीं मेरा पति भी मुझे कोई गैर लगता है जो गले लगा रहता था ये शायर है भाई ये शायर बंदा अलग है यार इसके बाद अब हाथ भी नहीं करता जो मिलने को तड़पता था अब बात भी नहीं बात करता भी। अब बात भी बात नहीं करता मैं बोलता हूँ आ जावे सजना माही एक ही बात जी नहीं लगता कल्ले तेरे रह गया रवे अखियां चुमी मेरे वगदा आजा वे आजा वे सजना तेरे बिना माही नहीं माही आ रहा माही लग वैसे गाना ना बहुत ही प्यारा गाना बोले तो एकदम ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओगे इस गाने से ऐसा नहीं है आप बजाओगे सुनोगे बढ़िया है और शूटिंग भी भाई ने पहाड़ियों वाली मतलब पहाड़ों वाली जगह शूटिंग करी है फुल रोमांटिक सीन भाई ने बना दिया यहाँ बढ़िया है यहाँ वो भड़ास नहीं निकली वो भड़ास निकलती है वो सिर्फ थोड़ी सी निकली है यहाँ बट काफ़ी बढ़िया यार सो भाई काफ़ी बढ़िया गाना यार काफ़ी प्यारा गाना है अभी EP का पहला ट्रैक आया है और भी ट्रैक सुनेंगे कैसे आने वाले हैं भाई के गाना है रैप तो इसमें बहुत कम थी मतलब बहुत ही कम बट काफ़ी प्यारा गाना इसमें वैसे देखें नीचे और कुछ लिखा है क्या भाई ने नहीं सो यहाँ तक आए भाई वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सुन लिया होगा वैसे आपने गाना 11 घंटे पहले आया है नहीं सुना तो सुन सकते हो भाई के चैनल पे जाके भी एंड यहाँ आए हो भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो क्योंकि हम आपसे मिलेंगे नए रिएक्शन के साथ बाय